ಸ್ಥೂಲಂ ಆಚಷ್ಟೆ ಇತಿ ಸ್ಥವಯತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥೂಲಂ ಆಚಷ್ಟೆ, ಸ್ಥೂಲ ದೂರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರ ವಯಣಾದಿಕೋ ಲೋಪ್ ಕರ್ತದೆ. ಎಣೆ ಆದಿಮಿ ಜಿಸ್ಕಾ ಸ್ಥೂಲ ಮೇಲ ಎಣೆ ಉಸ್ ಪರಮೆ ಅ ವಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲವರ ಸಂ ಲೋಪ್ ಹೋಗ ಸ್ಥೂ ಬಚೇಗಾ. ನಿಷ್ಕೈ ಹೇ ಸ್ಥೂಧನ್ ಇ, ಸ್ಥೂಧನ್ ಇ ಕ್ಯಾ ಹೋಗ ಗುಣ ಹೋಗ ಸ್ಥೋಧನಿ ಅವಾದೆ ಸ್ಥವಿ ಧಾತು ಬನೇಗ ಲಟ್ತೆ ಶಬ್ ಫಿರ್ ಗುಣ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥವಯತಿರು ಬನ್ ಜಾತಾ ಹೇ. ದೂರಂ ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ದೂರಂ ಆಚಟೀತಿ ದವಯತಿ ರು ಬನೇಗ. ಕಥಂ ತರಿ ದೂರ ಯತ್ಯವನತೆ ಯವಸ್ವತಿ ಯೇ ರೂಪ ಕೈಸೆ ಬನ್ ಗಯಾ, ದೂರಯತಿ ಕೈಸೆ ಬನ್ ಗಯಾ. ಲಗ್ತ ದೂರ ನಿಚ್ ಕರ್ದ್ಯಾ ದೂರಿ ಲಡತೆ ವಿಷಯ ಗುಣ ಆದೇಶ ದೂರಯತಿ ಕರಾ ಹೇ ದೇಖನೆ ಮೇ, ಇಸ್ಲೇ ಭ್ರಮ ಹೋತಾ ಹೇ. ಆಪ್ ಬೋಲ್ ರೇ ಯಾ ಪರ ದವಯತಿ ಬನ್ತಾ ಹೇ, ರೂಪ ಪ್ರಯೋಗ ಹುವಾ ಹೇ ದೂರಯತಿ. ತಾ ಕತೆ ವೋ ದೂರ ಸೆ ದೂರ ಉಪಪದೆ ವಹಾ ಪರ ದೂರ ಉಪಪದೆ ಔರ್ ಅತ ಸಾತತ್ಯಕ ಬರೇ ಧಾತು ಅಥವಾ ಐ ಗತೌ ಧಾತು उससे बनाया गया है. सप्तमी का एकवचन है क्षत्रिय प्रत्यांत है. क्षत्रिय प्रत्यांत का सप्तमी एकवचन का रूप है वो. इति ये कैसे प्रयोग हो गया पूछा. यदि दूरम अतति अथवा दूरम आयतेवा इति दूरात बन जाएगा. दूरातम कुर्वती इत्यर्थ, दूरातम कुर्वती इस अर्थ में दूरयति बन गया. तो दूर उपबंध में रहते हुए अर्थसाधक दम से कर दिया आपने. अन्यभ्य दृश्यते से क्विप किया, क्विप का सर्वापार लोप हो गया. सर्वापार होने से दूर अत है ना, दूरात बन गया. और आएगा तो होगा तो दूरात नहीं बनेगा ना, पहले दूर आई धातु रहेगा. दूर आई क्विप सर्वापार लोप, यकार का भी लोप, यकार का भी लोप. दूर अ है ना, एक अ है उसको तुक हो गया अत. दूरा अत अकसर दीर्घ दूरात एक जैसे ही रूप दिखेगा, एक जैसे ही प्रकृति बन जाएगा. फिर उसे क्या कर दिया, क्षत्रिय कर दिया. दूरात बना के दूरातम कुर्वती इस अर्थ में अब लाभ करो दिया. चष्ट अर्थ में निच इष्ट भाव करके तिलोप हो जाएगा. दूरात ई रहेगा तो धातु बनेगा दूरी, दूरी बनेगा. लट क्षत्रि दूरी अत रहेगा. शप गुण आदेश दूरयत प्रातिपदिक बन गया. और सप्तमी का एक वचन में गी कई बचा दूरयति इर बन जाता है. युवानम आचष्टे इति यवयति. और इवन जो कन आदेश होगा तो कनयति दोनों रूप बनेंगे. यवयति कनयति. युवाल्पयोर इति वाक कन, कनेति कैसे बना उसके लिए दिखा दिया. युवाल्प इत्यादि सूत्र से विकल्प से कन हो गया. कन हुआ तो कनयति, नहीं तो युवयति यवयति. युवन को यव आदेश होकर के यवयति हो गया. इति वाक कन अंतिकम नेदयति, अंतिकम आचष्टे इति नेदयति, बाढ़म आचष्टे इति साधयति. अंतिक बाढ़ोर नेद साधव सुसे नेद और साध क्रमश आदेश होकर के रूप बनता है. प्रशस्याम आचष्टे इति प्रशस्ययति. ये कैसे हो गया, प्रशस्य श्रह और ज्य च. श्रह आदेश और ज्य आदेश क्यों नहीं हुआ, इष्टन के प्रत्यय होता है. ज्येष्ठा बनाते हो, श्रेष्ठा बनाते हो, इष्टन के प्रत्यय हुए. यहाँ भी इष्टवद्भाव है तो आदेश होना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहे हैं आप. उसके लिए कह रहे हैं यह श्र ज्यौ न, श्र और ज्य आदेश नहीं होता. क्यों, उपसर्गस्य पृथकृतय है. क्योंकि प्रशस्यम में क्या होता है, वह प्रशस्य शब्द को श्र संपूर्ण को आदेश करने को कहा है. ज्य भी संपूर्ण प्रशस्य को आदेश करने को कहा. इन्हें प्रशस्य तो रहेगा ही नहीं, कि यहाँ का नियम क्या है, निच होते ही प्र अलग कर दिया जाता है. क्या शस्य है, अशस्य को आदेश नहीं कर सकते. अतएव आदेश नहीं हुआ, श्रज दोनों ही नहीं हुआ. प्रशस्य यतीर बना. वृद्धम आचष्टेति ज्ञापयति, वृद्धम आचष्टेति ज्ञापयति.
प्रिय स्थिर इत्यादि सूत्र से क्या हो गया, वहां पर भी ज आदेश हो गया, पुक आगम होकर के ज्यापी और गुण आदेश आदि होकर रूप बना ज्यापयति। प्रिय को प्रादेश है, प्रियम प्रापयति, स्थिरम स्थापयति, स्विरम स्वापयति बनता है। उरुम आचष्टेति वरयति, वारयति भी बनेगा। उरुम आचष्टे, उरु शब्द से वरादेश उसी प्रियस्तर इत्यादि में भी आया सारा। संज्ञापुर विधेयर अनित्यत्वाद उपधावृत्ति विकल्प मान करके वरयति और वारयति दोनों रूप बना दिया। उर्मने विशालम, महान महान वस्तु का व्याख्यान करता। उरुक्रम त्रिविक्रम बनता है ना, उरु ने विशाल फैला हुआ। तम आचष्टेति वरयति वारयति, बहुलम आचष्टेति बंहयति। बंहयति में क्या हो गया, बहुल को बह आदेश हो गया। गुरुम आचष्टेति गरयति, गुरु को गरादेश, गुरु हो गरा, गरा गरी बन गया, गरयति रूप बना। वृद्धम आचष्टेति वर्षयति, वृद्धस्य च सूत्रे ज्यादेशेन विकल्पते विकल्प करके कर दिया गया है, वर्षयति बना। त्रिप्रम आचष्टेति त्रपयति, त्रिप्रस्य त्रप आदेश। अदुपदे संज्ञापूर्वकत्व वृद्धि नहीं हुई, अतः त्रपयति बना नित्यत्व, वृद्धि करते त्रापयति भी बन जाएगा। दीर्घम आचष्टेति द्राघयति, दीर्घ को द्राघ आदेश होता है। वृंदारकम आचष्टेति वृंदयति, वृंदारक को वृंदादेश। इस प्रकार से नाम धातु प्रकरण पूरा होता है। टीका में कह रहे देखिए, स्थवयति इति स्थूल दूर इत्यादि सूत्र से इत्यादि सूत्रेण यणादि लोप गुणश्च, यणादि का लोप और गुण का विधि। न च गुणस्य अचोयनीति इति वृद्धि स्यात्, जो गुण भले कर लो इन बाद में अचोड़ से वृद्धि भी कर दो, कि स्थू गए ऊ दीर्घ को गुण कर से स्थो हो गया है, अस्थो को वृद्धि कर दो, ओ को क्या वृद्धि होगा, ओ हो जाएगा, स्थावी धातु बन जाना चाहिए। अतः ऐसे मत कहो, अंग कार्य कर दे पुनरंग कार्य से प्रवृत्त है। एक हेतु दे दिया, अंग कार्य है आपका पहले गुण, उसके बाद दोबारा वृद्धि रूप अंग कार्य नहीं हो सकता। एक और हेतु दे रहे, प्राथमिक धातुवर्ते बहुलम इष्टवच्चा है ना, बहुलकात कह दिया, अतः बहुलकात वृद्धि नहीं हुई, यह मान लीजिए। यदि बहुल ग्रहणाद्वा वृद्ध अभाव, इसका लुंग में रूप बनेगा अतुस्थवत, अतुस्थवत रूप बनेगा। दवयति यवयति इत्यादि यहाँ भी पूर्वद वृद्ध अभाव, इन सब स्थलों में भी पूर्व वृद्धि के अभाव ग्रहण करें। लुंग में अदूदवत अयूयवत अचीकनत, जब कान आदेश हो गया अचीकनत बन जाएगा। बाकी सरल होने से नहीं देते हैं, लुंग लकार एक विशेष कार्य होता है इसलिए वह दिखा देते हैं। नेदेति थी अंतिक बाढ़ और नेद साधो, इस से नेद साध आदेश होने के बाद टीलोपह इष्टभाव होने से लुंगी, लुंग में इनका रूप क्या बनेगा, अनिनेदत असाधत प्रशस्यम प्राशस्यत। प्रशस्य शब्द का लुंग लकार में प्रालक करके शस्य को द्वित्व करूँगा ना, शस शस अटागम अशस्यत बनेगा, अवधर तब जाके प्र के साथ अकस्म दीर्घ हो जाएगा, से प्राशस्यत बनेगा। प्रचकृतेरिधि तेन विशिष्ट से स्थानीनो अभावात नादेश विमौ भवतः, जिसलिए आपने प्र को पृथक कर दिया है और विशिष्ट हुई स्थानी था वहाँ पर सूत्रों में श्र आदेश और जी आदेश के लिए, से विशिष्ट स्थानी का अभाव होने से आदेश इन दोनों का श्र और ज का नहीं हुआ। ज्यापयति वृद्ध से चेति ज्या आदेश हुआ। सच प्रिय स्त्रीति वर्षादेश ने स विकल्पते, सुप्रिय स्त्रीत्य सूत्र से वृद्ध को वर्षादेश कहा है, वह विकल्प से कर दिया गया। इसे लुंग लकार में ज्यादेश पक्ष में अजिज्यपत, वर्षादेश पक्ष में अववर्षत,
प्रियम का रूप बनेगा लुंग लकार में, अपि प्रपत, स्थिरम का अतिस्थपत, सस्य आदेश अवयत्वात् सत्वम न, सस्य आदेश अवयत्वात् सत्वम न, अतिस्थपत हो गया ना, अन्यथा ती गई कार की वजह से मूर्धन्य हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। स्थिर शब्द है स्थिरम, स्थिरम आचष्टे, ष्ठा गति निवृत्तो था ना, ष्ठा था धात्वादेश से आदेश हुआ है, लेकिन धातु से रूप सीधा नहीं बन रहा है ना, स्था से स्थिर बनाओ, स्थिर बनाने के बाद प्रयोग करो है ना, स्थिरम आचष्टे इस अर्थ में कर रहे हैं। स्फिरम का भी अपि स्वपत, उरुम का वरादेश कृते संज्ञा पूर्व विधर अनित्यत्वाद बावलकाद्वा माधवेन विकल्पेन उपदावृद्धिर उदाहरता इति स्वयं अपि तथैवाह, यहाँ पर मूल कारण वैसे ही स्वीकार करके कह दिया, वरेति वारेति इति, लुंग लकार इनका अवीवरत बनेगा, बहयति इति अगलोपित्वाद अपबंहत बनेगा, अकेसा अगलोप होने से यहाँ पर अपबंहत बन गया, इत्वनाधिकारी नहीं हुआ। घरेति इति इसका लुंग लकार अजीगरत, त्रापयति इति अतित्रपत, द्राघेति इति अदध्रागत, वृंदेति का अववृंदत। इस प्रकार तत्वबोधिनी में नाम धातु प्रकरण पूरा होता है। बाल मनोरमा स्थवयति इति स्थूल शब्दात निचि, इष्टवत्वात स्थूल दूरे इत्यादि सूत्रेण स्थूल शब्दस्य यणादर लोपे लकार उकारस्य गुणे अवादेशे स्थवि इत्यस्मात् लड़ादिति भावः, गुणे ओकारस्य अचुनिति इति वृद्धिस्तुन्ना संख्या, गुण करने के बाद जो ओकार है उसके स्थान में अचुण से वृद्धि होनी चाहिए, ऐसे आप आशंका न करें, क्यों अंग कार्य करते पुनरंग कार्यस्य अप्रवृत्ते है। अतः ऐसे तत्वदी कारण दूसरा जवाब दिया है बहुल का द्वा। दवयति इति पूर्वादि लोपो गुणश्च कथम तरेति, फिर रूप कैसे प्रयोग हुआ, तब उसके लिए स्थूल दूर थी यणादिलोप से टीलोप अपवादत्वादिति भाव, यणादिलोप जो है टीलोप का अपवाद होने के नाते, ये यणादिलोप किया ना हमने, उसके लिए कहना स्थूल दूर थी यणादिलोप से टीलोप अपवादत्वात् इति भाव। दूर थी कैसे बनेगा, क्योंकि वह टीलोप किया नहीं ना, हम टीलोप करते क्या होता, दूरी धातु बन जाता, तब दूरेति बन भी जाएगा, लेकिन दूरा का टीलोप होगा नहीं, उसका अपवाद आपने यणादिलोप कह दिया है, तो र अ संपूर्ण लोप होगा तो दूरेति कैसे बन सकता है, ऐसे पूर्व पक्षी की आशंका होता है। दूरम अतति इति ये पूर्व पक्षी का आशय बता दिया, तब सिद्धांत जवाब देता है यहाँ पर दूर शब्द का सीधे आचष्ट अर्थ में निजंत है नहीं, किंतु यह अतसातत्य ने इति धातुः अन्य भी दृश्यते इति कृपि दूरात इति रूपम, दूरम अतति ऐसा अर्थ करके अपने विग्रह करते हुए ऊपर समास कर दिया, जैसे कुंभम करोति कह देते हैं आप, कुंभकार बनाते हो, यहाँ पर क्या कर दिया आपने कृप करके दूरात प्रातिपदिक बना लिया। अय गतौ इत्यस्मात् अथवा जो है अय गतौ इस धातु से कर लो, कृप करो वहाँ पर भी, दूरम अयते इति दूरात बन जाएगा, कैसे कैसे लोपो भी और बनी थी यलोपे, यलोप कर दो दूरा अ बच गया है ना, उस अ को क्या करना ह्रस्व से प्रकृति तुकी प्राकस दीर्घ दूराद इत्येव रूपम, इतना ही धातु का स्वरूप बन जाएगा, दोनों चाहे तो सातित्य करो चाहे गतो रखो, उन दोनों का प्रातिपदिक रूप है, धातु नहीं अंतर नहीं पड़ेगा, प्रातिपदिक बना ना कृदंत विभंत होने से वो कृदंत प्रातिपदिक बन गया, प्रातिपदिक के स्वरूप में अंतर नहीं पड़ रहा है, उस प्रातिपदिक से दूरातम या करोति में ले रहे ना क्षत्रि प्रत्यंत लाने के लिए कुर्वती इत्यर्थ, तस्मात् नौ टीलोपे दूरी इति नियंतात् क्षत्रि प्रत्यय शपि इकार से गुणे अयादेशे दूरे शब्द से दूरयति इति सप्तमंतमिति भावः, तदाह दूरातम कुर्वती इत्यर्थ इति, उसी व्याख्या में दूरातम कुर्वती यह विग्रह वाक्य दिखाया, और कुर्वती में क्या है, तो कुर्वती इति वह भी सप्तम्यंतम
और वे क्रिय धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके सप्तमी के एक वचन को बनाया गया है। यवयति इति इवन शब्दात नव स्थूल दुरयति वनो यणादिर लोपस्यात। युवन में जो वन है, युवन में जो वन यही है ना, यणादि वना वो संपूर्ण का लोप हो गया, यु बच गया। पूर्वस्य उकार से गुड़े अवादेश यवि इत्यस्मात यवि धातु बन गया, उसे लड़ादि कर दो, यवयति रूप बनता है। फिर कनेति कैसे हो गया, कहते कनेति इति इवन शब्द से कनादेश पक्ष रूपम, इवन शब्द से जो कनादेश हुआ उस पक्ष के रूप है, तदा तो युवाल्पयोर इत्य सूत्र से कनादेश दिखाया। ने देति थी अंतिक शब्द से नव नदादेश, कौन सूत्र है, अंतिक बाढ़ और निध साधु इत्युक्त है। सादेति में इसी प्रकार से बाढ़ शब्द से नव सादादेश ये थी प्रशस्यति इत्यत्र प्रशस्य श्रह और ज्य चेति श्रह ज्यौ, ये दो आदेश प्राप्त थे वो न इत्यर्थ कुतः क्यों नहीं होगा, इतः उपसर्ग सीति कि तत् पृथक करणे सति विशिष्ट स्थानीनो अभावात् न आदेशित भाव, जैसे आपने प्र को पृथक कर दिए वह विशिष्ट स्वरूप मिलेगा नहीं, स्थानी वह विशिष्ट है, विशिष्ट स्थानी के स्थान पे हमने आदेश करना था, विशिष्ट स्थानी नहीं रह गया इसलिए आदेश भी नहीं होगा। वृद्धम ज्ञापयती वृद्ध से चेति वृद्ध शब्द से ज्यादेशे वृद्धौ पुक इति भाव, वृद्धौ पुक आगम होकर के बना। प्रिय स्थिर सूत्रक्रमेण उदाहरती प्रियम प्रापयती प्रिय शब्द से प्रादेश वृद्धि पुक आगम होकर बना। स्थापयती स्थिर शब्द से स्थादेशे वृद्धि पुकौ, वरयती वारयती उरु शब्द से वर संज्ञापुरविधर नित्यत्वात् उपधावृत्ति विकल्प इति माधवः। बंहयति इति बहुलस्य बह आदेशः, गरेति इति गुरोः गर आदेशः, वृद्धं वर्षयति इति वृद्धस्य वर्षादेशः, वृद्धस्य चेति ज्यादेशेन विकल्प्यते। एवर ज्य भी आदेश होगा, एवर वर्ष भी आदेश हो जाएगा। त्रपयति इति त्रिप्रस्य त्रप आदेशः, त्रिप्र को त्रप आदेश किया जाता है। अधुपद हो गया तब तो संज्ञा प्रगत्वात् न वृद्धि, अतोपदाय से वृद्धि होना चाहिए लेकिन संज्ञा प्रगत्वात् वृद्धि नहीं होगी। गरेति इत्यादि इति इत्यादिवत् त्रापयति इति क्वचित पाठ, कहीं कहीं पर वृद्धि कर भी कर दिए, त्रापयति दिखा दिए हैं कहीं कुछ लोग, वो भी अनित्यत्वात् विकल्प मान लें कोई दिक्कत नहीं है। द्राघेति दीर्घ से द्राघादेश, वृंदेदीति वृंदारकस्य वृंदादेश, वृंदारक के स्थान वृंदादेश हो गया, वृंदारक थे देवताओं को उसको वृंदादेश कर दिया। इस प्रकार से नाम धातु प्रकरण बालों में भी पूरा होता है। अतः तिंगंत कंडवादी प्रकरण, अब तिंगंत में कंडवादी प्रकरण आरंभ होता है। कंडवादिभ्यो यक खंडवादिभ्य पंचमी का बहुवचन, यक प्रथमा का एक वचन। एभ्यो धातुभ्यो नित्यम यक स्यात् स्वार्थ, इन धातुओं से नित्य ही यक प्रत्यय होता है स्वार्थ में। इन धातुओं से ले रहे खंडवादियों प्रातिपदिक भी होता है, इन धातु से यक होगा, प्रातिपदिक से तो पूर्व सूत्र है ना, प्रातिपदिक धातु अर्थ बौड़म इष्टोद्भवनिच्छो करके कंडुम वाचष्टे कंडुम करो यति करोती विग्रह करूँगा प्रातिपदिक हो तो, जब प्रातिपदिक यदि लेंगे गण को तो पूर्व प्रकरण का विषय बन जाएगा, यदि केवल धातु प्रयोग लोगे तब इस प्रकरण का विषय है। स्वयं कार्य देखिए धातुभ्य किम, ये भी धातुभ्य क्यों कहा आपने, ये भी प्रातिपदिक भी क्यों नहीं कहते हो, तब कहते हैं प्रातिपदिक भ्यम्भावत, इनका जो प्रातिपदिक स्वरूप है उनसे यक प्रत्यय नहीं होगा किंतु निच होगा करोति आचष्टे अर्थ कर भी। द्विधा ही कंडवादि हो, कंडवादिगण ही दो प्रकार से है, धातव प्रातिपदिका निच, धातु भी है इनका स्वरूप, प्रातिपदिक भी है इनका स्वरूप। धातु स्वरूप जब स्वीकार करूँगा तब यक होगा, प्रातिपदिक रूप से मानूंगा तो निच होगा। कंडुई गात्र विघर्षण, कंडुई होता है घात्र का विघर्षण करना, खुजली
ಕಂಡೂಯತೆ, ಕಂಡೂಯತಿ ವಿವನೇಗ, ಈ ಕಂಡೂಯನ ಇತ್ ಸ್ವರ್ತೈತ ಕರ್ತೃವ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಫಲೆ ಇಸ್ಗೆ ಅದರ ಉಭಯ ಪದ ಹೋಗ್ಯ, ಕಂಡೂಯತಿ ಕಂಡೂಯತೆ. ಎ ಸಬ್ ಅನೇಕಾಚಿ ಹೇ ಇಸ್ಲಿ ಸಬ್ ಆ ಮೊಗ್ಗರು ಬನೆಯ ನಾ ಕಂಡುಯಾಂಚಕಾರ ಕಂಡುಯಾಂಚಕ್ರೆ ದೊರ ಬಂಜಾಯಗ, ಕಂಡು ಈ ತಾಸಿ ಕಂಡು ಈ ತಾಸೆ, ಕಂಡು ಇಷ್ಯತಿ ಕಂಡು ಇಷ್ಯತೆ, ಸಬ್ ಐಸೆ ಬನೇಗ, ಕಂಡುಯತಾಂ ಕಂಡುಯತು ದೋನೋ ಜನೇಗ, ಅಕಂಡುಯತ್ ಅಕುಂಡುಯತ, ಕಂಡುಯೇತ್ ಕಂಡುಯೇತ, ಕಂಡುಯ್ಯಾತ್ ಅಲೋ ಪೌರೆ ಕಂಡುಯ್ಯಾತ್, ಕಂಡು ಇಶಿಷ್ಟ ಅಕಂಡು ಈತ್ ಅಕಂಡು ಇಷ್ಟ, ಅಕಂಡು ಇಷ್ಯತ್ ಅಕಂಡು ಇಷ್ಯತ. ಮಂತು ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಬೇಕೋ ಸಮಜಿಯೇ, ಮಂತು ಅಪರಾಧೆ ರೋಷ ಇತ್ಯೇಕೆ ಕುಜಲ ಅಪರಾಧ ಕತೆ ಕುಜ ಕ್ರೋಧ ಮೇ ಬಿಲೈತೆ ರೋಷ ಅರ್ಥ ಮೇ. ಮಂತೂಯತಿ ಯಕ್ಕೊನ ಸಖ್ಯಾವಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಗೋ ದೀರ್ಘ ಹೋಗ್ಯ, ಪೂರ್ವಾಲದ ಫಲಿನ ದೀರ್ಘ ಥಾ ಕಂಡು ಯಾ ಹಸ್ವೆ ಸಕ್ರ ಸಾರ ದೀರ್ಘಸೆ ದೀರ್ಘ ಹೋಜಾಯಗ ತೋ ಮಂತೂಯ ಬನ್ಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ರೂಪ ಹಿ ಚಲೇಗ. ಮಂತೂಯತಿ ಚಂದ್ರಸ್ತೋ ಇತಮ್ಮ ಚಾಂದ್ರ ವ್ಯಾಕರಣ ಚಂದ್ರಮನೆ ಚಾಂದ್ರ ವ್ಯಾಕರಣ ವಾಲೆ ಕಹತೆ ಹೇ ಮಂತು ಮೇ ಕ್ಯಾ ಮಂತುಯ್ ಯಾ ಪ್ರಶ್ಲೇಷಕಾರ್ದು ಅನುಬಂಧ ತುವೆ ಬದಿ ಹೋ ಜಾಯಗ ಮಂತೂಯತಿ ಮಂತೂಯತೆ ದೊನೋ ಚಲೇಗ. ವಲ್ಗು ಪೂಜಾ ಮಾಧುರ್ಯಯೋ ವಲ್ಗು ಧಾತು ಪೂಜಾ ಅರ್ಥ ಮೇ ಹೇ ಅವ್ರ ಮಾಧುರ್ಯ ಅರ್ಥ ಮೇ ವಲ್ಗೂಯತಿ ಯಾ ವಿ ಹರಸ್ವಕಾರ ಥ ಅಕ್ರಸಾರದ ದಿಸ್ಗೆ ದೀರ್ಘ ಹೋಗ್ಯ. ಅಸು ಉಪತಾಪೆ ಅಸು ಧಾತು ಉಪತಾಪ ಅರ್ಥ ಮೇ ಹೇ ಅಥವಾ ದೂಸರಂಗ ಕೇನ ಹೇ ಅಸು ಅಸುಯ್ ಅಸು ಅಸುಯ್ ಇತಿ ಏಕೆ ಉನ್ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೇ ತಿನ್ ತಿನ್ ರೂಪ ನಾ ಇಸ್ ಅಸು ಉಪತಾಪೆ ಮಾನ್ಯ ವಾಲೋಂಗೆ ಲಿಯೆ ಅಸ್ಯತಿ ಅಸ್ಯತಿ ಮನೆ ಉಕಾರ ವಹಾ ಪರ್ ಇತ್ಸಂಖ್ಯಕ ಮಾನ್ ಲಿಯಾ ಅವ್ರ ದೂಸರೆ ಮೇಲೆ ಲೇರೆ ಅಸು ಅಸು ಇತ್ಯೇಕೆ ಪಕ್ಷ ವಾಲೊಮ್ಮೆ ಅಸೂಯತಿ ಅಸೂಯತೆ ಅಸೂಯತಿ ಅವ್ರ ಅಸೂಯತೆ ಕಿ ಪಲೆ ಸೇ ತೀರ್ಗ ಧಾತು ಸುಯ್ ಧಾತು ಹೇ ಸುಯ್ ಧಾತು ಹೋನೆ ಸೆ ತೀರ್ ಉಕಾರ ಧಾತು ಹೇ ತೋ ರೂಪನ್ ಜಾತ ಇಸ್ ತರ ಸೆ ದೋನೋ ಹಿ ಅಸೂಯ್ ಇತ್ಯೇಕೆ ಅಸು ಅಸೂಯ್ ದೋನೋ ಲೇ ರೇ ವಲೋ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಅಸುಗ ಅಸ್ಯತಿ ಬನೇಗ ಅವ್ರ ಅಸೂಯ್ ಕಜ್ಗೆ ಹೋಜಾಗ ಅಸೂಯತಿ ಅಸೂಯತೆ ಬನೇಗ ಪೌಕಾರ ಹಸುಕಾರ್ಗೋ ಇತ್ ಸಂಜೆ ಕ್ಯೂ ಮಾನ್ ರೇ ಆಪ್ ಜಬ ಅಸೂಯ ಗ್ರಹಣಿ ಕರ್ಲಿ ಅಲಗ್ಸೆ ಫಿರ್ ಇಸ್ಕೋ ಯಾ ಪರ್ ರಸು ಕರ್ಕೆ ಇಸ್ಕೋ ದೀರ್ ಕರ್ಕೆ ದೊಬರ ಅಸು ಬನಾ ಕರ್ಕೆ ಬೀರ್ ವೈ ಬರೇಗ ನಾ ಫರಕ್ ಕ್ಯಾ ಪಡೇಗ ಹಸುಕಾರ ರೇಗ ಅಸು ಉಸ್ಕೋ ಭೀ ಕ್ಯಾ ಹೋಗ ದೀರ್ ಹೋ ಜಾಯಗ ಅಸೂಯ ಧಾತು ಬನ್ ಜಾಯಗ ಫಿರ್ ಅಸೂಯ್ ಔರ್ ಅಸೂಯ ಮೇ ಕೋಯ್ ಅಂತರ್ ತೋ ರಹಾ ನೀ ಉಭಯ ಪದ ಆಪ್ರೆ ಕರೀ ದಿಯಾ ಅಥವಾ ಇಸ್ ಅಸು ಕೆ ಉಕಾರ್ಗೋ ಇಸ್ ಸಂಜಕ್ ಮಾನ್ ಲಿಯಾ ಅವ್ರ ಕೇವಲ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ಯತಿ ಅಸ್ಯತ ಅಸ್ಯಂತಿ ಅಸ್ಯಸಿ ಅಸ್ಯತ ಅಸ್ಯತ ಇರ್ಪ ಚಲೇ ಅಸ್ಯ ಧಾತು ಬನ್ಗೆ ನಾ ಬಿ ಯಗಂತ್ ಅಸ್ಯ ಧಾತು ಬನ್ಗ್ಯಾ ಜಬ ಅಸ್ಯ ಬನ್ ಗಯ ಯಗಂತ್ ಏನಾ ಅನೇಕಾಚೆ ಅಸ್ಯಾಂಚಕಾರ ಬನೇಗ ಯಾ ಪರ ಅಸ್ಯ ಅನೇಕಾಶ ಧಾತು ಹೋಗ್ಯ ನಾ ಅವಿ ಪ್ರತ್ಯಂತ ಬಿ ಹೇ ಪ್ರತ್ಯಂತ ಬಿ ಹೇ ಅವ್ರ ಅನೇಕಾಶ ಬಿ ಹೋಗ ಇಸ್ಲೇ ಆಮ್ ಹೋಗ ಪರ್ ಅಸ್ಯಾಂಚಕಾರ ಅಸ್ಯಾಂಚಕ್ರೆ ಅಸಿತ ಅಸಿಷ್ಯತಿ ಆರ್ ಧಾತು ಕೋಮ್ ಇಟ್ ಪಕ್ಷ ಮೇ ಯಸ್ಯ ಹಲ ಲಗ್ ಜಾಯಂಗಿ ಅಸ್ಯತು ಆಸ್ಯತ್ ಅಸ್ಯೇತ್ ಅಸ್ಯಾತ್ ಆಸೀತ್ ಆಸಿಷ್ಯತ್ ಇರು ಬನೆಂಗೆ ಉಸ್ಗೆ ಬಾದ್ ಆತ ಧಾತು ಲೇಟ್ ಲೋಟ್ ಅದಲ್ಲಕಾರ ಜೈಸೆ ದಿಖ ರಾ ಲೇಟ್ ಲೋಟ್ ಇದು ಧಾತು ಹೇ ಲೇಟ್ ಲೋಟ್ ಧಾತು ಅರ್ಥ ಕಿಸ್ಮೇ ಹೇ ಧೌರ್ತ್ಯ ಪೂರ್ವಭಾವೆ ಸ್ವಪ್ರೇಚ್ಛ ದೀಪ್ತಾವಿತ್ಯೇಕೆ ಧೂರ್ತ್ಪನ ಧೌರ್ತ್ಯ ಅರ್ಥ ಮೇ ಹೇ ಪೂರ್ವಭಾವ ಪೂರ್ವಭಾವ ಮತಲಬ್ ಹೋತಾ ಪೂರ್ವತ್ವ ಪೂರ್ವಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಗೋ ಬತಾನೆಗೆ ಲಿಯೇ ಸ್ವಪ್ನ ಅರ್ಥ ಮೇ ಭೀ ಹೋತಾ ಹೇ ಔರ್ ದೀಪ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮೇ ಭೀ ಹೋತಾ ಹೇ ಧಾತು ಲೇಟ್ಯತಿ ಲೇಟ್ ಧಾತು ಸೇ ಇಸ್ ವರ್ತಮಾನ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಯಕ್ ಹೋ ಗ್ಯಾ ಲೇಟ್ಯ ಧಾತು ಬನ್ ಗ್ಯಾ ಲೇಟ್ಯ ಧಾತು ಲೇಟ್ಯತಿ ಲೇಟ್ಯಾಂಚಕಾರ ಲೇಟ್ಯಿತ ಲೇಟಿಷ್ಯತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬನೇಗ ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ಲೋಟ್ಯತಿ ಇಸ್ಲಾಗಿ ಲೋಟಿತ ಭೀ ದಿಖಾ ದಿಯ ಯಸ್ಯ ಅಲಹ ಲಗಾ ದಿಯ ಯಸ್ಯ ಅಲಹ ಲೋಟಿತ ಐಸೆ ದಿಖಾ ಜಾನ್ ಕರ್ಗೆ ಲೇಟಿತ ಲೋಟಿತ ಯಸ್ಯ ಅಲಹ ಹೇ ಯ ದಿಖಾನೆಗೆ ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ಗೆ ದಿಖಾಯ ಲೇಟಿಷ್ಯತಿ ಲೋಟಿಷ್ಯತಿ ಲೇಟ್ಯತು ಅಲೇಟ್ಯತ್ ಲೇಟ್ಯೇತ್ ಲೇಟ್ಯಾತ್
अलेटीत बनेगा, जैसे अलया लग जाएगा, अलेटीत अलेटिष्यत, अलोटीत अलोटिष्यत, लेला लेला धातु है, दीप्त दीप्ति अर्थ, लेला से यक होगा, लेला से यक, लेलाय लेलायति, लेलायांचकार, लेलायिता लेलायिष्यति, लेलायतु इत्यादि। इरस इरज इरै ईर्ष्यायाम, इन धातु है ईर्ष्यार्थ में है। इरस्यति पहले वाला इरस का इरस्य धातु बना, इरस्यति इरस्यांचकार, या भी यस्य हला लग जाएगा, इरसिता इरसिष्यति इत्यादि। इरज्यति इरज्यांचकार, इरजिता इत्यादि। हलिचेति दीर्घ, ये अंत वाले के लिए इरई इरई धातु था ना, इरई में इर बचा, इस देव आप कर रहे हैं हलिच से दीर्घ हो जाएगा। ईर्यति ईर्यति ईर्यते, इरियांचक्रे इरियांचकार दोनों चलेगा। ईरिता ईरिष्यति ईरिष्यते, है ना, ये से हला लग जाएगा यहाँ भी। उषस प्रभाती भावे, उषस धातु प्रभाती भाव अर्थ में है, अप्रभात को प्रभात भाव पूर्णा होना, उषाकाल जैसे वहाँ पूर्ण प्रभा नहीं है ना उषा में, उस काल को प्रभाती भावे। उषस से यक हुआ तो उषस्य धातु, उषस्यति उषस्यांचकार, उषसिता उषसिष्यति, उषस्यतु औषस्यत उषस्येत और उषस्यात औषसीत औषसिष्यत। वेद धौर्त्य स्वप्रे च, वेद धातु धौर्त्य और स्वप्र दोनों अर्थ में है, धूर्तपना और स्वप्न अर्थ में, बताओ वेद धातु को ऐसा अर्थ करते हैं। वेद का अर्थ करते धौर्त्य और स्वप्न। वेद धातु से यक हो गया, ये तो यक होने से क्या होगा, आर धातु क्या है, अतो लोपो बनेगा ना, वेद्य धातु बनेगा, वेद्य तो वेद्यति वेद्यांचकार, और वहां पर ये सल हो लोप होगा, वेदिता वेदिष्यति बनेगा, बाकी सब पूर्वती चलेंगे। यहाँ देखिए टीका देख लीजिए, खंडवादिपेय धातुरेकाचित्यस्मा धातुरिति वर्तते, वेति निवृत्त वाक्य अनुवृत्ति समाप्त, अन्यथा खंडवयति इति स्यात्, ये भी बन जाता तदा धातोर नित्यमिति। केचित्तु नित्यम कौटिल्यगत इत्यतः नित्यमिति अनुवर्तते इत्याहु, नित्यम की अनुवृत्ति कर लो अपने आप समाप्त हो जाएगा, लेकिन उनका ऐसा कहना उचित नहीं लग रहा है। तत्चिंत्यम तत्र नित्य ग्रहणम एव कारार्थे वर्तते, वहाँ जो नित्य ग्रहण किया है भाष्यकार ने उस नित्य का अर्थ कर दिया एव, या भी एव हो जाएगा फिर गड़बड़ होगा, वही अर्थ आएगा ना शब्दानुवृत्ति करने से। तक्र कौंडिन्य न्याय से अनित्यताम ज्ञापयितुमिति प्राग व्याख्या तत्पाद, तक्र कौंडिन्य न्याय को अनित्यता ज्ञापन करने के लिए उस प्रकार के व्याख्यान भाष्यकार ने किया है, यह बात पूर्व में हम कह चुके हैं। किंचित रहनी नित्यम कौटिल्यगत इत्यत्रापि वाइत्य अनुवर्तते, वहाँ भी वाक्य अनुवृत्ति है, और नित्यम का अर्थ हो जाएगा एव, और वाप वहाँ से आने लगेगा, रोक नहीं पाओगे आप। अन्यथा गत्यर्थेभ्यो नित्यम यंग सैत, गत्यर्थों से नित्य ही यंग होने लग जाता इति। स्वार्थे इति खंडवादिभ्यो यक् सैत क्रियर्थे इति प्राचोक्तम अयुक्तम इति भाव। स्वार्थे कह दिया, लोगों ने कहा था पूर्व आचार्यों ने, क्रियर्थ में कह दिया, करोत्यर्थ में ले ऐसे करके, तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं स्वार्थ में ही करना है, जिस धातु का जो अर्थ है उसी अर्थ में यक हो जाएगा, यक से इसकी पुनर्धातु संज्ञा सनातनता धातु से हो जाएगा। खंडवादिभ्यो यक स्यात् क्रियर्थे इति प्राचोक्तम अयुक्तम इति भाव, द्विधा इति यकः कित्वेन धातु इति ज्ञायते, यकः कित्व होने से ये धातु है ये मालूम होता है। कंडोई इति दीर्घ पाठेन प्रातिपदिक अन्य प्रीति, दीर्घ पाठ करने से मालूम होता है ये प्रातिपदिक भी होते हैं, ये नहीं हो तो दीर्घ तो हो जाता ना, यक करते ही अक्रसार दीर्घ से दीर्घ होना ही था,
दीर्घ्यु पाठ किया, इसे ज्ञापन होता है, इसका एक दूसरा स्वरूप भी है, ये प्रातिपदिक भी होते हैं। ये तो धातु एवं स्यु तरह ह्रस्वान्त पठित्य अपनी एक ही परे अक्रसार्धि दीर्घेण कंडवित इत्यादि सिद्ध है, किन तेन दीर्घ पाठेन दीर्घ पाठ से क्या फल रह जाता है, व्यर्थ होकर के बात को बोध कराया। द्विविध्य तो धातुभ्यो एक ही गुण निषेध है ना कितम सार्थकम, द्विविध्य माने में लाभ क्या होगा, धातुओं से यज्ञ करने के बाद गुण का निषेध हो जाएगा, यही कित्त के फल निकला। कंडूर इत्यादि यज्ञ रहित रूप सिद्धिया दीर्घ पाठों पर सार्थक। अब प्रातिपदिक मानो क्या होगा, कंडूहु कंडव कंडवाह रूप बनेगा है कि नहीं, यह व्याण होकर रूप बन जाएंगे, इसीलिए वहाँ पर उसका जो है दीर्घ करने पाठ करने का लाभ होगा, दीर्घ कारण प्रातिपदिक हो जाएगा वो। अतएव उत्तम भाष्य धातु प्रकरणात् धातु कश्च आसंजनादपि, इसलिए कहा भी धातु प्रकरण होने से यह धातु है, कारण क्या है धातु होने में, एक और हेतु दिया कस्य मैंने ककारस्य, यक है ना, यक में जो ककारस्य आसंजनादपि, आसंजन करने से भी यह धातुत्व हो जाता है। आह चायम इमम दीर्घम मन्ने धातुर्विभाषिते इति, और इमम दीर्घम च आह, और पाणिनि ने इसको दीर्घ पाठ किया है, इसमें यह मानता हूँ यह धातुत्व इसमें विभाषित है, मैंने यह प्रातिपदिक भी है इति, ऐसे भाष्यकार ने कहा। एतेरा कंडूम करोति कंडूयति इति प्राचोक्ति विग्रहोपि परास्तः, करोति जोड़कर विग्रहवा की जो किया वो व्यर्थ है, वो यहाँ अलग प्रकरण बनाने की जरूरत नहीं ना, वो पूर्व सूत्र का विषय बन जाएगा, पूर्व प्रकरण का नाम धातु प्रकरण में चला जाएगा वो। कंडवादेह प्रातिपदिकानी एव इति अनभिगमात, कि कंडवादियों को प्रातिपदिक ही होते हैं ऐसे स्वीकार नहीं किया गया, धातु भी माना गया है। न च द्वैविध्य अभिगमे अपनी प्रातिपदिकादेव यक्षित न चवाच्य, द्वैविध्य स्वीकार करने पर भी प्रातिपदिक से ही यक होगा ऐसा भी नहीं समझना, क्यों तथा ही सती धातुर लड़ा दो कंडवती, गुण हो जाएगा ना फिर कंडू के ऊको कंडवती इत्यादि अनिष्ट प्रसंगात, सुख दुखादि प्रातिपदिकेभ्य यकी अल्लोप असंभव ही ना, और इतने सुख दुख इत्यादि प्रातिपदिकों से यक होने पर, देखो यक होने पर अल्लोप होता है, इसलिए वेद में भी अल्लोप मानना पड़ेगा ना, जब अल्लोप वहाँ संभव ही नहीं हो पाता यदि प्रातिपदिक होता तो, धातु होगा तो लोप हो जाएगा अर्धत्व के विषय में, प्रातिपदिक तो लोप होगा नहीं तो फिर रूप बनेगा नहीं, गलत रूप हो जाएगा, असंभव है ना। सुख्यति इत्यादि असिद्धि प्रसंगाच्च, यत्तु कैश्चित् शब्द वैरकल इति सूत्रात् करणे इत्यनुवर्तनात् क्रिय अर्थे यज्ञ इति प्राचोक्त व्याख्यायाम न किंचित बाधकम इत्युक्तम तदपि चिंत्यम अनुवृत्तो माना भवात्, अनुवृत्ति में कोई प्रमाण नहीं, अन्यथा निजंतेषु इव प्रकृति प्रत्ययाभ्याम व्यापार द्वयापत्ते इति देख, निजंतों के समान यहाँ पर भी प्रकृति प्रत्यय दोनों से व्यापार करना पड़ेगा, ये भी आपत्ति हो जाती है। पूर्वावेति पूर्वोत्तम इत्यर्थ, लेटिते इति यस्याल इति अलोप, सुख्यति इति आगे चला गया सुख्यति में, इधर थोड़ा ही बोल रहे बाल पूरा ही कर दो। अच्छा कंडवादि प्रक्रिया निरूप्यंते कंडवादिभ्य धातुभ्य धातु एकाचितिवृत्ति भाव नित्यमिति वाग्रहणं तो निवृत्तमिति भाव, अन्यथा कंडवति गुण हो जाता कंडु के उको गुणवादेश हो जाता इत्यद्यपि सेत भावः विदायति एतच्च भाष्य स्पष्टं तेन कंडूर इत्यादि अविग्रहित रूप सिद्धि, कंडूह इत्यादि अविग्रहित जो रूप है माने बिना विग्रहवाक्य किए बिना रूप बना है धातु के बिना केवल प्रत्यक्ष से स्वादि उत्पन्न करके कंडूह कंडवौ कंडवाह इत्यादि रूप होते हैं। लेटितेति यस्य लेति यलोपः,